गोविंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में WWF का आयोजन किया जाएगा और कम से कम पैसे में ये आयोजन करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद 20 से 30 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया जा सकता है और शिमला में भी WWF का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें विश्व स्तरीय रेसलर हिस्सा लेंगे। गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन के लिए CM जयराम ठाकुर से बातचीत की जाएगी व आयोजन की तारीख तय की जाएगी। गोविंद ठाकुर ने बताया कि द ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के लिए काफी समय से कुछ करना चाहते थे लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब हिमाचल सरकार खेलों को लेकर उनका पूरा सहयोग करेगी। जिस बजट में मैं एक करता हूं, मैं उसी बजट में हिमाचल प्रदेश के अंदर दो WWF करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी रात को हमारी फोन पर बात हुई है और ठाकुर जयराम जी ने कहा कि आगे बढ़ो, अब जाकर के टेंटेटिव बजट सत्र के बाद लगभग 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य में शायद हमारी डेट फाइनल होगी। अरे बहुत जल्द 3 या 4 दिनों फाइनल करके, और उसमें अभी हम ये विचार कर रहे हैं कि एक तो शायद मंडी के पड्डल मैदान में करें और दूसरा शिमला। अब शिमला के आसपास कोई ऐसा स्थान जहाँ ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, यानी विश्व स्तर के लेवल की मैं करूँगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ तो मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ तो मैं गली गली में घूमा हूँ, और इसलिए यहाँ पर करने का। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो उनके बहुत अच्छे जो रेसलर है वो भी आएंगे, और जो भारत में जो नए नौजवान लगभग 7 फीट से अधिक ऊंचाई के कई उन्होंने ऐसे नए लोग तैयार किए वो सब भी आएंगे।